हेलो फ्रेंड, स्वागत है एमपी क्लास एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू है आज। इसके पहले पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्वाइंस के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे हम उन्हें को एक सिंपल वे में समझाया है। और आज की इस वीडियो में डाइस मासों पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको एक सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले अगर उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू लेक्चर, जिस पर डिस्कस करेंगे हम डाइस टू पासिंग। देखिए, तो बेसिक जो होता है पासों का, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। स्टार्ट डाइस। ओके, डाइस यानी कि पासा। देखिए, बेसिक के पासा जो होंगे इसके सिक्स फेसेस होंगे। सिक्स फेस यानी कि इसके छह फलक होंगे, जिन पे नंबरिंग होती है एक से लेके छह तक, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, देन देखिए यहाँ पर जो इवन नंबर होते हैं, 3 इवन नंबर होते हैं, 2, 4, देन यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा, 2, 4 एंड 6 इवन होता है। और ऑड नंबर जो इस पे होते हैं, फेसेस में होते हैं, 1, 3 एंड 5। ठीक है, और इसमें प्राइम नंबर भी समझ लीजिए, प्राइम नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्राइम नंबर वह नंबर होती है जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो इसमें जो प्राइम नंबर हो जाएगी 2, 3, 5, दीज आर द प्राइम नंबर्स। ओके, देन एक कंसेप्ट और देख लीजिए। यदि एक कंसेप्ट और देखिए यहाँ पास, यदि क्वेश्चन में बोले दो पासे हैं और उनका सम, ठीक है, दो पासे और उनके सम का एक तरीका जो होता है, ट्रिक है, दो पासों की बात हो रही है। ठीक है, तो दो पासे हैं तो उसके लिए यहाँ पास हम लिख देते हैं सम, लिख दो यहाँ पास सम लिख दो। ठीक है, बीच में जो हो गए वेज होते हैं तरीके। ठीक है, कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए, दो डाइस है, दो डाइस की बात चल रही है, टू डाइस की। ठीक है, तो दो डाइस है तो सम, मिनिमम सम तो दो हो सकता है, यानी कि पहले में अगर 1 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है, तो सम 2 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ठीक है, इस साइड भी 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस प्रकार बता रहा हूँ वैसे ही लिख लेना। देन यहाँ पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो डाइस को रोल किया जाता है और सम 4 आने के कितने तरीके हैं, तो सम 4 आने के तरीके, सम ये 4 है, 4 आने के 3 तरीके हो जाएगा। जिस सम यही पूछ लेता 8 आने के, तो 8 देखो, 8 यहाँ पास है, 8 आने के 5 तरीके हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब आएगा तो इस चीज को ज्यादा समझ में आएगा। और डाइस में एक चीज और समझ लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 6n होंगे। एन नंबर, एन जो होगा नंबर ऑफ डाइसेस होंगे, कितने, दो डाइस है, तीन डाइस है, एक डाइस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का डाइस का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ए डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। एक ही डाइस फेंका जाता है, यदि एक डाइस फेंका जाता है तो टोटल देखो प्रोबेबिलिटी में दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है। जो नीचे का पार्ट होता है वो टोटल आउटकम्स होते हैं कि जितने भी नंबर होंगे वो होंगे, ऊपर वाला पार्ट होगा जो भी वो पूछ रहा होगा। तो देखिए, वो एक क्वाइन के लिए टोटल आउटकम्स कितना होगा, 6n होता है, तो 6n बराबर वो डाइस होता है, एन बराबर डाइस होता है। ठीक है, तो ये 1 डाइस हो गया, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, देन पूछ क्या रहा है, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 से कम हो सकता है। 5 से क्या नंबर कम है, तो ये 5 ही तक नंबर हो जाएगी। ठीक है, 1 से लेके 5 तक, तो देन ऊपर हो जाएगा 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। ऑप्शन है, ऑप्शन ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रोइंग और इन थ्रोइंग ऑफ ए डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन फोर। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में आप प्रोबेबिलिटी लिखिए, दो पार्ट होते, नीचे वाला टोटल आउटकम यानी कि 6 की पावर 1 बराबर 6, नीचे 6 हो गया। ऊपर के लिए क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मोर देन चार, चार से कितनी आने की ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, चार से ज्यादा कितने नंबर होते हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 हो गए तो ऊपर 2 कर दो, देन ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा 1/3, तो नया आंसर होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए थ्रोइंग ऑफ ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, कितने डाइस है, एक डाइस है, 6 की पावर 1 बराबर 6, नीचे 6 लिख दिए, ठीक है। अब पूछा इवन नंबर, इवन नंबर कितने होते हैं, 2, 4 एंड 6, एक डाइस में 6 नंबर तक अंकित होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक में इवन नंबर 3 होते हैं, 2, 4 एंड 6 जी कितने 3 हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए दो डाइस वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। देखिए दो डाइस के लिए सबसे पहले टोटल आउटकम समझ लीजिए, टोटल आउटकम्स जो भी होंगे, नीचे जो पोर्शन होता है 6 की पावर n तो 6 की पावर 2 जो 36, ये हमेशा हो जाएगा नीचे दो कॉइन के लिए, ठीक है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी में पूछ के आ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में नीचे वाला पोर्शन हम कर दें टोटल आउटकम 36, ऊपर देखिए लिखे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर हुज सम इज इवन, सम इज इवन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसके पहले मैं जो ट्रिक बताया था दो कॉइन के लिए वो याद होगा, यहाँ सम लिख दीजिए, ये वेज लिखिए, यहाँ सम लिखिए, ठीक है। सम देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाइए, फिर इधर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। वेज में 1 से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके 6 नीचे आ गए। अब देखिए पूछ रहा है क्या है, सम इवन नंबर होना चाहिए। सब देखो दो पॉइंट में सम इवन नंबर, इवन नंबर ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड 12 है, ये है, ठीक है। तो देखो कितने तरीके निकले, देखो 2 आने के कितने तरीके, 1 है, 4 आने के 3 है, तो 3 एक 4 हो गया, 6 आने के 5 है, तो 4 और 5 9 हो गया, ठीक है। फिर 8 आने के 5 है, फिर सेम ही है, ठीक है। 10 के 3 है और 1 है, तो यानी कि डबल कर दो, सेम आ रहा तो डबल हो जाएगा, कितना और कितना था, 9 और 9 18 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखिए 2 डाइस है और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में 2 डाइस है तो नीचे वाला पोर्शन हमारा 36 हो गया। अब प्राइम नंबर की बात करें, देखो प्राइम नंबर में पहले ही बताया, तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, ठीक है। देखिए इसमें प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर को समझिए, 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर है। अब कह रहा है दोनों डाइस को फेंकने पे दोनों में प्राइम नंबर आना चाहिए, तो ठीक है यहां से हम शुरू करते हैं। मान लो पहले में हम 2 आया, दूसरे डाइस में भी 2 आ गया, नेक्स्ट पहले डाइस में 2 फेंक आया, दूसरे में 3 आ गया, नेक्स्ट पहले में 2 आया एंड अगले में 5 आ गया, बस सेम ही नहीं ऐसे है। देखिए 3 पहले में, नेक्स्ट में भी 3 आ गया, पहले में 3 नेक्स्ट में 2 आ गया, पहले में 3 नेक्स्ट में 5 आ गया। अब अगली प्राइम नंबर 5 थी तो 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है एंड 5 3 हो सकता है। तो देखो कितने तरीके आ सके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ऊपर हो जाएगा 9, तो ये कट जाएगा, तो 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल, मतलब इसमें टोटल आपको कल लाना है 12। तो देखिए 12 लाने के, देखिए वो ट्रिक आप याद करेंगे तो भी चलेगा,
इस क्वेश्चन की बात करें, बाकी उस ट्रिक को तो याद ही होना चाहिए कि अगर सम 8 पूछ लेगा, सम 5 पूछ लेगा तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए 2.5 से तो 6 की पावर 2, यानी यह 36 हो गया। अब सम 12, सम 12 का मतलब समझ रहे हो कि मैक्सिमम पूछा हुआ, यानी एक डाइस में मैक्सिमम 6 होता है, यानी कि पहले डाइस में 6 है, दूसरे में भी 6 है, यानी कि इसकी मात्र एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 6। यानी अब देखिए इसमें सम 6 पूछ लिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी नीचे क्या होगा, 2 डाइस है तो 36 हो जाएगा, ऊपर के लिए हमें बताना है तो सम के, देखिए ट्रिक क्या बताया था, 2 डाइस के लिए सम, यहाँ वेज लिख दीजिए, यहाँ सम लिख दीजिए, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 करिए, फिर यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12 वेज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब पूछ क्या रहा, देखो टोटल सम 6 आना चाहिए, ठीक है टोटल 6 आना चाहिए, तो 6 देखिए कहाँ है, सम कहाँ हमारे 6 है, ये हमारे पास है, तो 6 आने के कितने तरीके, 5 तरीके, तो यहाँ पास ऊपर हो जाएगा 5। देखा कितना आसानी से हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई 2 डाइस, इन ए थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल लेस देन 4 से कम आने की प्राइस तक क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, देखिए प्रोबेबिलिटी कीजिए, ओके नीचे 36 लिखिए, ऊपर के लिए वही ट्रिक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, अब तो बहुत रटी गई होगी, ठीक है यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, टोटल 4 से कम आना चाहिए, उसका जो सम होगा वो 4 से कम आना चाहिए, 4 से कम यानी कि क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 आने के कितने 2 तरीके हैं, अब 2 आने के 1 तरीके, तो टोटल कितने तरीके होगा, 2, 1, 3 तरीके, तो ऊपर 3 हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो कितना होगा 1/12, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, इन ए थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन सम, देखिए इवन सम आने की प्राइस तो बताना है इसमें, देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी करेंगे, नीचे 36 हो जाएगा, अब इवन सम बताना, ठीक है तो देखो एक मिनट, पहले क्वेश्चन में देखो जहां पास ऐसा था, अब बोल रहा था इवन सम आना चाहिए, क्वेश्चन में इवन सम था, यानी कि जो सम जो है इवन आना चाहिए, इस बात को समझना कि जो जोड़ है 2 डाइस को फेंकने पे वो सम आना, इवन जो होगा, देखिए 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12, ये हमारे इवन नंबर है, तो इनके देखिए कितने तरीके, 2 आने के कितने तरीके, 1 था, 4 आने के 3 तरीके थे, तो कितने टोटल तरीके हो गए, 3 × 4 तरीके हो गए, 6 आने के 5 थे तो 9 तरीके हो गया, अब देखिए 8 आने के कितने तरीके थे, 5 थे तो 9 × 5 = 14 हो गया, 10 आने के 3 तरीके थे तो 14 × 3 = 17 हो गया, और 12 आने के 1 तरीके तो 18 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 18 तरीके आ गए, तो चलिए क्वेश्चन में चलेंगे, ऊपर हो जाएगा 18 तरीके आए थे तो 18 हो गए, तो 18/36 यानी कि 1/2, ठीक है तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और मोर, देखिए सम जो है 10 या 10 से ज्यादा आने की कितनी प्रायिकता होगी, तो ठीक है प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे लिखिए 36, ऊपर आने के कितने तरीके होंगे, चलो देख लेते हैं, सम वेज एंड सम, ठीक है सम 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पहुंचेंगे, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है अब कह रहे सम जो होगा 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए, सम 10 यहाँ है, ये 10 हो गया, 11 and 12, ठीक है देखो 10 आने के 3 तरीके हैं, 11 आने के 2 तरीके हैं, 12 आने के 1 तरीके, तो इनका सम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 और 3 6,
तो यहाँ 6/36, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 है, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ एट मोस्ट 5 इज। तो क्वेश्चन को समझो कि दो पासों को फेंकने पे प्रोबेबिलिटी का जो योग होगा, जो दो तार से फेंक रहे हैं उसमें योग जो होगा 5 मैक्सिमम आना चाहिए, यानी कि उसे 5 से ज्यादा नहीं समाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी नीचे 36 लिखना है, टोटल आउटकम्स होते हैं। ऊपर आने के लिए चलिए पीछे वाले से ही देख लेते हैं कि क्या कह रहा था। मैक्सिमम सम 5 आना चाहिए, तो मैक्सिमम सम 5 यहाँ है और 5 से नीचे 4, 3, 2। 5 आने कितने तरीके थे, 4 थे, 4 आने के 3 थे, 3 आने के 2 थे और 2 आने के 1। तो कितने तरीके हो गए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो हमारे पास टोटल तरीके हो गए 10, टोटल तरीके 10 हैं और टोटल आउटकम 36 थे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 से कटेगा, ऊपर 5 और 18, तो 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन ऑल द फेसेस। ओके, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टोटल आउटकम जो होंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे 6 की पावर n होते हैं, 3 डाइस है तो 6 की पावर 3, तो ये होगा 216। 3 डाइस में वो सब नीचे जो होगा 216 होगा। फिर द प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हो जाएगा नीचे 216 कीजिए। अब ऊपर की बात करेंगे, ऊपर क्या होता है, तीनों फेस में 6 आना चाहिए, एक डाइस में जो 6 नंबर अंकित तो मैक्सिमम होता है, यानी कि तीनों में 6-6 आएगा। समझ रहे हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। तो कितने तरीके हो सकते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में 6, एक तरीके है। तो इसके आंसर होगा 1/216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 80। देखिए पिछला वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम ही है, उसमें क्या है 6-6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा था, इसमें पूछा सम 18 आने की प्रोबेबिलिटी। 18 कब होगा, जब हर एक में 6-6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी सेम ही है। तो देखना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नीचे 216, ऊपर हो जाएगा 666 आ रहा है, तभी तो सम हमारा 18 होगा, 1, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला है इस प्रोबेबिलिटी को लेके, तो इसमें हम ताश के पत्तों पे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उतने बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।